जादुई नेल पॉलिश का घर। रूपनगर नाम के एक गांव में दिया अपनी बीमार माँ सीता के साथ रहा करती थी। सीता बहुत बीमार होती है, वो खुद से उठकर अपना खाना तक नहीं खा पाती थी। दिया बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और दिया अपनी माँ को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर दिया को बोलते हैं, देखो दिया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हम उनका इलाज नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी माँ को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। क्या? अच्छा डॉक्टर, वैसे मेरी माँ को हुआ क्या है और उनके इलाज में कितना खर्चा आ जाएगा? दिया, तुम्हारी माँ के शरीर में खून की कमी की कमजोरी है, और तो और उनका शुगर लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इनकी तबीयत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इनको इंजेक्शन देने होंगे, और शुगर में लगाए जाने वाले इंजेक्शन हमारे हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं होते, इसीलिए तुम बड़े हॉस्पिटल में ही इन्हें ले जाओ, और वहाँ कितना खर्चा आएगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता। फिलहाल मैंने अभी तुम्हारी माँ को कोई दवाई दे दी है, इससे उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा, पर तुमने अगर अभी कोई लापरवाही की तो तुम अपनी माँ की जान से हाथ धो बैठोगी, इसीलिए मेरी मारो, तुम जल्दी से जल्दी अपनी माँ को बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ और जल्दी से उनका इलाज करवाओ। ये सुनकर दिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अपनी माँ को घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद दिया खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, मैं अब क्या करूं? अपनी माँ का इलाज कहाँ से कैसे करवाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मेरे पास मेरी माँ के सिवा कोई भी नहीं। अगर वो भी चली जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगी? हे भगवान, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। दिया ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी माँ को उल्टियाँ होने लगती है, और जल्दी से दिया अपनी माँ के पास जाकर उन्हें पानी पीने के लिए देती है। इसके बाद दिया को याद आता है कि उसे अपनी माँ की दवाई लानी है। दिया जल्दी से हाथों में दवाई की पर्ची लेकर बाहर दवाई लेने जाती है, और केमिस्ट वाला उसे दवाई देते हुए बोलता है, ये रही आपकी दवाई, आपकी दवाई की 2000 रुपए। क्या 2000? 2000 की दवाई? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। भैया अब कुछ दिन बाद मुझसे पैसे ले लेना, पर ये दवाई मुझे अभी दे दीजिए। अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास भी दवाई नहीं है, चल भाग यहाँ से। प्लीज भैया मुझे ये दवाई दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्हें ये दवाई समय पर नहीं मिली तो वो मर भी सकती है। प्लीज मुझ पर एहसान कर दो और मुझे ये दवाई दे दो, मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करके आपके पैसे चुका दूंगी भैया। ठीक है, ये दवाई भी मैं अपने पास रख लेता हूँ, जिस दिन तू पैसे लेकर आएगी उस दिन मैं तुझे दवाई दे दूंगा। दिया उस दुकान वाले के सामने बहुत मिन्नतें करती है, पर दवाई वाला उसे दवाई नहीं देता। बेचारी दिया रोते हुए घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बाइक वाला एक बूढ़ी औरत को टक्कर मारकर चला गया है। उस बूढ़ी औरत के पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, जिस वजह से वो उठ तक नहीं पा रही होती। वहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं होता, और जो लोग होते हैं वो भी उस बूढ़ी औरत को देखकर अनदेखा कर जाते हैं, जिसके बाद दिया उस बूढ़ी औरत का दर्द नहीं देख पाती और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे बोलती है, अरे अम्मा ये क्या, आपके पैरों में तो बहुत चोट लग गई, खून भी बहुत बह रहा है, आप तो सही से चल भी नहीं पा रही है, आप एक काम कीजिए, अब मेरे साथ चलिए, मैं अपने घर आपकी चोट की मरहम पट्टी कर दूंगी, जिससे आपको आराम मिलेगा, चलिए अम्मा। अरे नहीं बेटी, तुम इतना कष्ट मत उठाओ मेरे लिए, तुम बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरे बेटे बहू मेरी चोट ठीक कर देंगे। अम्मा मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी, पर उससे पहले आपके पैरों से निकलता हुआ खून रोकना पड़ेगा, मेरा घर यही पास में है, आप मेरे साथ चलिए तो सही। इस तरह दिया उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाती है, और घर ले जाकर उसके पैरों से निकलते खून को साफ करती है, उसकी चोट पर पट्टी कर देती है। और बूढ़ी औरत जब दिया की माँ को बीमार अवस्था में देखती है तो दिया से बोलती है, अरे बेटा ये औरत कौन है, ये तो काफी बीमार लगती है और तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर अब कभी बारिश या आंधी तूफान आए तो तुम्हारा घर ही ढह जाएगा। हाँ अम्मा मेरा घर बहुत ही कच्चा है, अगर इस बार कभी जोर की बारिश या आंधी तूफान आएगा तो मुझे भी इस बात का डर है कि मेरा घर कहीं टूट ना जाए, और ये मेरी माँ है, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने कहा है कि इनका अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना है, अगर मैंने इनका समय रहते इलाज नहीं करवाया तो मैं अपनी माँ को खो दूंगी। इतना बोल कर दिया रोने लगती है,
और बूढ़ी औरत से बोलती है, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अपनी माँ के लिए दवाई ला सकूं। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी कभी नहीं जी सकूंगी। दिया को रोता देख उसकी हालत देखकर बूढ़ी औरत दिया को एक नेल पॉलिश देती है और एक परी का रूप लेती है और दिया से बोलती है, दिया मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, पर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं ये जादुई नील पॉलिश तुम्हें दे रही हूँ। ये एक जादुई नील पॉलिश है, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, और क्योंकि ये जादुई नील पॉलिश है इसीलिए अब तुम्हें इस छोटे घर में रहने की जरूरत नहीं, तुम इस जादुई नील पॉलिश के घर में भी रह सकती हो। जिसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रिया का छोटा सा घर वहाँ से गायब हो जाता है, और परी ने जो नील पॉलिश दिया को दिया होता है वो एक सुंदर सा घर बन जाता है और परी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिया अपनी माँ के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के घर में रहती है, जहाँ वो देखती है कि उस जादुई नेल पॉलिश के अंदर उसकी खुद की कॉस्मेटिक की दुकान है। साथ ही दिया और उसकी माँ की सारी जरूरतों की चीजें जैसे कि कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, रूम आदि। जिसके बाद दिया अपनी कॉस्मेटिक के सामान को बेचकर बड़े पैसे कमाती है और बहुत जल्दी जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपनी माँ का इलाज करवाती है। अब बहुत जल्दी दिया की माँ सीता ठीक हो जाती है और सीता जादुई नेल पॉलिश से बोलती है, जादुई नेल पॉलिश तुम्हारा शुक्रिया हमें सारी सुविधाएं देने के लिए, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाई। मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए तो जादुई परी ने यहाँ भेजा था, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी, तुम दोनों हमेशा मेरे घर में रहना और इसी तरह से अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीते रहना। जिसके बाद दिया अपनी माँ सीता के साथ जादुई नेल पॉलिश के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और दिया अपनी कॉस्मेटिक की दुकान को भी बहुत अच्छे से चलाती है, जहाँ दिया कुछ और लड़कियों को भी अपनी दुकान में काम दे देती है। और लोग जब सामान खरीदने दिया के पास आते तो जादुई नेल पॉलिश लगाते ही लड़कियों के नाखून बहुत सुंदर हो जाते। इस तरह से दिया दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।